name of Allah, the Merciful, the Compassionate. Assalamu alaikum bachon. Today is our lecture number 15, lesson 3, Dark Devil and Golden Eye. आज इंशाल्लाह हमारा ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा. जैसे कि हमने स्टार्ट किया था, मैंने आपको बताया था कि दिस इज अ साइंस फिक्शन. ये एक साइंस फिक्शन है, एक इमेजिनरी स्टोरी है कि विद द एडवांसमेंट ऑफ साइंस हो सकता है कि कभी ऐसा हो जाए कि लोग मार्स पर जाकर रहना शुरू कर दें. और यही बात यहाँ पर की गई है कि एक फैमिली, बिटरिंग फैमिली, जिसमें 5 मेंबर्स हैं और भी ऐसे 800-900 लोगों के साथ मार्स पर पहुँचे हैं और वहाँ जाकर उन्होंने रहना शुरू कर दिया है. मार्स का क्लाइमेट उनको सूट नहीं किया और मिस्टर बिटरिंग चाहते हैं कि वो वापस आ जाए, बट उनकी फैमिली ये नहीं चाहती, स्पेशली उनकी वाइफ नहीं चाहती, और वो वहाँ रहना शुरू करते हैं फॉर द फियर ऑफ वॉर ऑन अर्थ. उनको ये खौफ है कि जब अर्थ पर जंग हुई तो वो सब लोग ख़त्म हो जाएंगे. और एक दिन उनका फियर जो है वो उनके सामने आ जाता है जब ये न्यूज़ आती है कि वाकई वॉर हो गई है अर्थ पे और तमाम रॉकेट्स जो मार्स की तरफ आने थे वो सब तबाह हो गए हैं. इस पर वो फैमिली बहुत अपसेट होती है, बहुत सब लोग परेशान होते हैं कि अब वो मार्स पर स्ट्रैंड हो गए हैं, फंस गए हैं, अब वो मार्स से किस तरह वापस जा सकेंगे. लेकिन उसके बाद जो फादर हैं, मिस्टर बिटरिंग हैं, वो बच्चों को भी तसल्ली देते हैं और कहते हैं कि हम ये मुश्किल वक्त यहाँ पर गुजारेंगे और एक दिन ज़रूर एक रॉकेट आएगा जिस पर हम अर्थ वापस चले जाएंगे. बहुत अरसा गुजर गया है, रॉकेट बनाने की कोशिश हैरी बिटरिंग करता है कि चलो हम खुद रॉकेट बनाएं और खुद वापस चले जाएं. लेकिन वहाँ पर जो लोग अर्थ से उसके साथ आए हैं उसके साथ कोई भी जो है कोऑपरेट नहीं करता और उसे खुद वो कोशिश करता है बनाने की एक रॉकेट. लेकिन उसके बाद क्या होता है कि कुछ अर्सा गुजर गया है, टाइम पास हो गया है और उन्होंने ये दिखाया है कि रॉकेट का फ्रेम जो है वो वहाँ पर रस्ट कर रहा है, पड़ा हुआ है और कोई भी जो है वो वहाँ पर मौजूद नहीं है. गर्मियाँ हैं, उनके घर खराब हो गए हैं, सब कुछ बर्बाद हो गया, लेकिन वो लोग वहाँ पर मौजूद हैं. और उस वक्त उसकी मिसेस हैरी बिटरिंग के मिसेस कॉरा बिटरिंग उसको कहती है कि चलें अब हम वापस अर्थ पे चलते हैं. और इस वक्त ना करने वाला कौन होता है, हैरी बिटरिंग. वो कहता है अब अर्थ पे क्या रखा है, अब हम वहाँ जाकर क्या करेंगे. कॉरा उसको कहती है कि आपकी बुक्स, आपके नाइस ड्रेसेस, सब कुछ तो वहाँ है. लेकिन वो कहता है टाउन एम्प्टी है, कोई भी वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं है. और क्यों जाए, क्योंकि वहाँ जाने के लिए कोई रीज़न ही नहीं है. ये बात उसने क्यों की, क्योंकि उन्हें बहुत लंबा अरसा हो गया था वहाँ रहते हुए, उनकी आइडेंटिटीज़ चेंज हो गई थी, उनकी आईज़ गोल्डन हो गई थी, वो स्लेंडर हो गए थे, टॉल हो गए थे, डार्क हो गए थे. और ये सब होने के बाद वो अब चाहते नहीं थे कि वो अर्थ पर वापस जाए. अब उन्होंने यहाँ तक हमने पढ़ा था कि कॉरा ने कहा कि नाउ इट इज़ द टाइम टू गो बैक टू अर्थ, बट मिस्टर हैरी बिटरिंग इज नॉट रेडी टू गो बैक टू अर्थ. अब आगे देखें क्या वो बताते हैं आपको. द डॉटर वोव टेपेस्ट्रीज एंड द सन प्लेड सॉन्ग्स ऑन द एंशिएंट फ्लूट्स एंड पाइप्स. क्या बता रहे हैं उनकी, अब क्या उनकी मसरूफियत है, वो ये है कि उनकी बेटी एम्ब्रॉयडरी कर रही है, कढ़ाई कर रही है. वो का मतलब होता है नेट, बनाना, वीव करना, या हम इसके साथ साथ सिनोनिम भी देखेंगे. तो ये आप यहाँ पर वो को नेट लिखेंगे और टेपेस्ट्रीज एम्ब्रॉयडरी. एम्ब्रॉयड्रीज वो वहाँ पर एम्ब्रॉयड्री कर रही है उनकी बेटी. और बेटे क्या कर रहे हैं, बांसुरी पे और बाजों के साथ वो सॉन्ग्स प्ले कर रहे हैं. देयर लॉफ्टर इकोइंग इन द मार्बल विला, और उनके कहकहे उस मार्बल के घर में गूंज रहे हैं. व्हाट डज दिस शो, ये लाइन आपको क्या शो करती है, दैट दे आर सेटल्ड एंड हैप्पी देयर. बच्चों देखो, आप खुद सोचो,
आप यहाँ से अर्थ से कहीं और चले जाते हो, सिर्फ मार्स पे चले जाते हो, वहां ना कोई स्कूल है, ना कॉलेज है, ना आपको पढ़ना है, ना लिखना है, ना कोई और है। आपका दिल कर रहा है, आप पेंटिंग्स कर रहे हो, आपका दिल कर रहा है, आप पढ़ाइयाँ कर रहे हो, आपका दिल कर रहा है, तो आप पाइप्स बजा रहे हो, फ्लूट्स बजा रहे हो, तो फिर क्या जरूरत है अर्थ पे जाके सारे झंझट में पढ़ने की। मतलब ये कि वो वहां पर वेल सेट है और बहुत खुश है। मिस्टर बिटरिंग गेज्ड एट द अर्थ सेटलमेंट फार अवे इन द लो वैली। मिस्टर बिटरिंग ने नीचे वादी में बहुत दूर जो जमीन के लोगों की बस्ती है उसकी तरफ देखा। सच ऑड, सच रिडिकुलस हाउसेस द अर्थ पीपल बिल्ड। कितने अजीब, कितने मजाक खेज घर बनाते हैं ये जमीन पर रहने वाले लोग। नाउ ये बात क्या शो करती है? द अर्थ पीपल बिल्ड, वो दूसरों को अर्थ पीपल कह रहे हैं। क्या वो खुद अर्थ से बिलोंग नहीं करता? इतना अरसा वहां रहने के बाद और अपनी आइडेंटिटी भी चेंज हो जाने के बाद अब मिस्टर बिटरिंग इज कंसीडरिंग हिमसेल्फ अ मार्शियन। ही इज नो मोर एन अर्थ मैन। वो कह रहा है कि अर्थ के लोग बहुत बुरे घर बनाते हैं। दे डिडंट नो एनी बेटर, हिज वाइफ म्यूज्ड। म्यूज्ड, म्यूज्ड का क्या मतलब होता है? सोचते हुए, गौर करते हुए, पॉन्डर्ड, थॉट, थॉट डीपली। उसकी वाइफ ने, उसकी बीवी ने कुछ सोचते हुए कहा कि वो इससे अच्छे बना भी नहीं सकते। अर्थ के लोग इससे अच्छे घर बना भी नहीं सकते। सच अगली पीपल, बहुत बदसूरत लोग हैं। आई एम ग्लैड दे आर गॉन, मैं खुश हूं कि वो यहां से जा चुके हैं। मतलब बिल्कुल मार्शल्स बन गए हैं वो। दे बोथ लुक्ड एट ईच अदर, उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। Startled by all they had just finished saying, startled, astonished, हैरान। और एक दूसरे की तरफ कैसे देख रहे हैं वो? हैरत से, हैरत से देख रहे हैं कि ये उन्होंने क्या कहा है। They laughed और फिर वो हंस पड़े। क्यों हंस पड़े? क्योंकि उन्होंने अर्थ के लोगों को बुरा कहा और वैसे बेसिकली वो भी तो अर्थ के लोग थे। लेकिन This shows that they have completely turned into Martians. Where did they go? He wondered. उसने हैरत से कहा कि वो कहाँ चले गए हैं? He glanced at his wife. उसने अपनी बीवी की तरफ गौर से देखा। She was golden and slender like his daughter. अब आप देखो एक और, हमने देखा था Martian virus ने क्या changes लाए थे उन लोगों में। उनकी eyes golden हो गई थी, वो थिन हो गए थे, वो स्लेंडर हो गए थे, उनका कॉम्प्लेक्शन डार्क हो गया था। और एक बात और सामने आई कि वो यंग हो गए थे। ठीक है, मार्शियन एयर में उनकी एजेस रुक गई थी, वो मजीद यंग लगने लगे थे, वो बूढ़े नहीं हो रहे थे। ठीक है, तो वो उसने अपनी बीवी की तरफ देखा जो कि गोल्डन और स्लेंडर, स्लेंडर थिन, स्लिम पतली हो गई थी। Like his daughter, और ऐसा अब उसकी बेटी की तरह लग रही थी वो। She looked at him, और कोरा ने अपने हस्बैंड की तरफ देखा, and he seemed almost as young as their eldest son. और जब उसने अपने हस्बैंड को देखा तो वो ऐसा लगता था जैसे वो उनके बड़े बेटे की एज का है। यानी their ages have been stopped there. उनकी उम्रें वहां रुक गई थी, बढ़ नहीं रही थी, बल्कि वो यंग नजर आने लगे थे। I don't know, she said. मैं नहीं जानती, उसने कहा। We'll go back to town maybe next year or the year after or the year after that. हम जाएंगे टाउन में। टाउन में क्या पता करने कि ये लोग कहाँ चले गए हैं, उस टाउन से कहाँ शिफ्ट हो गए हैं। कोई तो होगा जो बताएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि हम शायद अगले साल जाएं, या उससे अगले साल, या फिर उससे भी अगले साल। यानी उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है अर्थ पीपल में। He said calmly, उसने बहुत पीसफुली, बहुत पुरसकून अंदाज से कहा। Now I'm warm, अब मुझे गर्मी लग रही है। How about taking a swim? क्या ख्याल है, चल के तैरते हैं, नहाते हैं। They turned their backs to the valley, उन्होंने वादी की तरफ अपनी कमर की। Arm in arm, they walked silently down a path to a clear running spring water stream. ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, हाथ में हाथ डाले, वो किस तरफ चल पड़े, जहां पर एक साफ पानी की नदी बह रही थी। To have a swim there because they were feeling warm. अब ये बात हो गई उसके बाद 5 years later, यानी हमें पता चल गया कि दे आर वेल सेटल्ड इन द मार्स एंड दे हैव कंप्लीटली टर्न्ड इनटू मार्शियंस। इसके भी 5 साल बाद
A rocket fell out of the sky. एक रॉकेट आसमान से निकला और मार्स पर पहुंचा. It lay steaming in the valley. वो वैली में वादी में धुआं छोड़ता हुआ खड़ा हुआ. Men leapt out of it shouting. और लोग leapt out jumped up. लोग बहुत से लोग चीखते हुए उसमें से छलांगे लगाते हुए बाहर निकले. यानी एक और रॉकेट और लोगों को लेकर मार्स पर आया था. We have won the war on earth. We are here to rescue you. Hey, अब वो आवाजें दे रहे हैं कि हमने जमीन पर जो जंग हो रही थी वो जीत ली है और अब हम आप लोगों को बचाने के लिए यहाँ पर आए हैं. But the American build-down of cottages, peach trees and theaters was silent. लेकिन जो अमेरिका से आए हुए लोगों ने वहां पर बस्ती बनाई थी वो उस वक्त खाली थी. उनके घर खाली थे, पीच ट्रीज खाली अकेले खड़े थे और थिएटर्स खामोश थे. जो उन्होंने अपने चीजें जगह बनाई हुई थी वो सब खाली थी. दे फाउंड अ फ्लिम्सी रॉकेट फ्लेम रस्टिंग इन एन एम्प्टी शॉप. उन्हें एक खाली दुकान में एक फ्लिम्सी, फ्लिम्सी का क्या मतलब होगा, ब्रेकेबल, बहुत ही नाजुक डेलिकेट हालत में. यानी इतना टाइम गुजर गया है कि पहले हमें बताया गया था कि वो रॉकेट रस्ट हो गया था. एंड नाउ वो रस्ट होने के बाद इतना वो फ्लिम्सी हो गया है, इतना डेलिकेट हो गया है कि वो ब्रेकेबल है कि आप उसको हाथ लगाएंगे या उसके ऊपर थोड़ा सा नजर डालेंगे तो वो टूट जाएगा. एक खाली शॉप में उन्हें वो फ्लिम्सी रॉकेट फ्रेम भी नजर आया. द रॉकेट मैन सर्च द हिल्स. अब जो रॉकेट से लोग उतरे थे उन्होंने पहाड़ियों पर ढूंढना शुरू किया, तलाश करना शुरू किया. क्या तलाश करना शुरू किया? उन लोगों को जो जमीन से मार्स पर आए थे और वॉर की वजह से वहां पर फंस गए थे. द कैप्टन एस्टेब्लिश्ड हेडक्वार्टर्स इन एन अबंडेंट बार. कैप्टन ने अपना हेडक्वार्टर एक अबंडेंट का मतलब होता है खाली, वेकेटेड. Vacated, empty, एक खाली, deserted भी कहते हैं हम इसको, एक खाली बार में बना लिया था. His lieutenant came back to report. और उसके साथ एक लेफ्टिनेंट है जो वापस उनको उसको रिपोर्ट करने आया है, उसको वहां की खबर सुनाने आया है. The town is empty, but we found the native life in the hills, sir. अब लेफ्टिनेंट कैप्टन को क्या खबर दे रहा है कि पूरा जो टाउन है, पूरा कस्बा खाली है, लेकिन हमें पहाड़ियों में यहाँ के मकामी लोग मिले हैं जनाब, डार्क पीपल. वो डार्क कॉम्प्लेक्शन के लोग हैं, स्याफाम लोग हैं, येलो आईज, उनकी आंखें येलो हैं. द मार्शियंस, वो यही मरीख के लोग हैं. वेरी फ्रेंडली, बहुत ज्यादा दोस्ताना उनका रवैया है. वी टॉक्ड अ बिट, नॉट मच, हमने उनसे थोड़ी सी बातें की हैं, बहुत ज्यादा नहीं. They learn English fast. उन्होंने बहुत तेजी से अंग्रेजी बोलनी सीखी है. I'm sure our relations will be more friendly with them, sir. और मुझे यकीन है कि हमारे उनके साथ ताल्लुकात और ज्यादा दोस्ताना होंगे जनाब. Dark, A, mused the captain. How many? अच्छा, dark मतलब स्याफाम. अच्छा, mused. Mused हमने अभी पहले भी पढ़ा था, pondering thoughtfully, सोचते हुए, गौर करते हुए कहा. अच्छा, कितने लोग हैं? 6-800 आइड से, 6-800 मैं कह सकता हूँ. ये कौन से लोग हैं 6-800 जो बिटरेन फैमिली के साथ ही यहाँ आए थे? और वो ही लोग हैं जो कम्प्लीटली मार्शियंस में चेंज हो चुके हैं. उन लोगों की आइडेंटिटीज भी चेंज हो चुकी हैं और उनका लिविंग स्टाइल भी चेंज हो चुका है. और जो जिन जिन से वो कैप्टन मिला वो उसको ऐसा लगा कि वो प्रॉपर मार्स के रहने वाले लोग हैं, जमीन के लोग नहीं हैं. Living in those marble ruins in the hills, sir, वो पहाड़ियों पर जो खंडर हैं संगे बरबर के उनमें रह रहे हैं. Tall, healthy, beautiful women, और वो लंबी सेहतमंद और खूबसूरत ख्वातीन हैं. मतलब वहाँ जो लोग रह रहे हैं वो उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वो टॉल हैं, हेल्दी हैं, ब्यूटीफुल हैं. Did they tell you what became of men and women who built this earth settlement, lieutenant? अब वो पूछता है, आपने उनसे बातें की, क्या उन्होंने आपको बताया कि वो लोग जो जमीन से आए थे और उन्होंने ये बस्ती बसाई थी वो कहाँ चले गए हैं? They had not the foggiest notion of what happened to this town or its people. उनको एक foggiest सा notion, foggiest
टिम वेग हल्का सा भी थोड़ा सा भी वेग डिम और नोशन आइडिया उन्हें थोड़ा सा मध्यम सा आइडिया भी नहीं है इतना सा भी पता नहीं है कि उन लोगों को क्या हुआ इस कस्बे को क्या हुआ यहाँ रहने वाले लोगों के साथ क्या हुआ उन्हें कुछ पता नहीं है स्ट्रेंज बहुत अजीब बात है यू थिंक दोज मार्शियंस किल्ड देम क्या तुम ये सोचते हो कि उन मार्शियंस ने उनको मार दिया ये जो मार्शियंस हैं जिनसे तुम मिलकर आए हो मार्स पर रहने वाले लोग क्या तुम ये समझते हो कि उन्होंने इनको मार दिया है दे लुक सरप्राइजिंगली पीसफुल ये लोग हैरत अंगेज तौर पर पुरअमन है चांसेस आर प्ले डिड द टाउन इन सर और ऐसा लगता है कि कोई वबा फैली थी जिसने इस कस्बे के रहने वाले लोगों को खत्म कर दिया है सर Perhaps, I suppose this is one of those mysteries we shall never solve. और कैप्टन कहता है शायद और मुझे ऐसा लगता है कि ये उन चंद राजों में से है जिनको हम कभी नहीं समझ पाएंगे One of those mysteries you read about, और वो mystery आपने पढ़ ली है ठीक है आपको पता है कि अर्थ पीपल कहाँ चले गए हैं लेकिन वो जो कैप्टन और लेफ्टिनेंट आए हैं उनको वो कहीं से भी अर्थ पीपल नहीं लग रहे बिकॉज दे हैव चेंज्ड देयर आइडेंटिटीज ओवर ऑल ठीक है बच्चों ये आपकी इसकी ट्रांसलेशन और इसके सिनोनिम्स और एमसीक्यूज जो करेक्ट इंफॉर्मेशन के हैं वो आपने कर ली है अब इसको बार बार रीड आउट करें इसके आप साथ साथ तैयारी करते जाएं जैसे आपने लेसन वन लेटर वन स्टोरी वन की थी लेसन टू स्टोरी टू लेटर टू किया था अब ये लेसन थ्री है इसके साथ हम स्टोरी थ्री लेटर थ्री करेंगे और इसके इस नेक्स्ट लेक्चर में अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज पर डिस्कस करेंगे उसके बाद हम स्टोरी लेटर कर लेंगे तो आपका ये थर्ड पोर्शन भी इस बुक का कंप्लीट हो जाएगा थैंक यू वेरी